नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने पकड़ी 537 पेटी अवैध शराब। आज सुबह चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टोल प्लाजा पर एक ट्रक पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब त्रिपाल से ढकी हुई पाई गई। थाना प्रभारी SHO चंद किरण को सूचना मिली कि एक ट्रक अवैध शराब लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर एक ट्रक आता दिखाई भी दिया तो उसे रोकने का इशारा किया। ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने लगा। तभी कांस्टेबल सत्येंद्र चौधरी सुरेंद्र कुमार ने गाड़ी का पीछा कर ट्रक को ठिरिया खेतल के पास रोक लिया और ट्रक चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सोमवीर पुत्र दयानंद, ग्राम बखौता, थाना सापला, जिला रोहतक, और दूसरे ने अनिल कुमार पुत्र राम कुमार निवासी गोपालपुर थाना खरगौदा जिला सोनीपत बताया है और कहा है कि ट्रक में शराब है। जब शराब के कागज मांगे तो वे दिखा नहीं सके। CO रामानंद राय ने प्रेस वार्ता में बताया और कितनी पकड़ी गई। ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह साहब के नेतृत्व में अवैध शराब अफीम गांजा का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान टोल टैक्स पर SHO फतेहगंज पश्चिमी श्री चंद्र किरण जी, उप निरीक्षक श्री राजीव कुमार थाना पश्चिमी और उनकी टीम और इनके साथ आबकारी विभाग के निरीक्षक और उनकी टीम के साथ चेकिंग अभियान शुरू था। उसमें एक ट्रक जिसका नंबर था EH4446C6699 जो संदिग्ध प्रतीत हुआ, उसको चेक करने पर ये मालूम हुआ कि इसमें अवैध शराब जा रही है। जिसको देखने पर ये मालूम हुआ कि 537 पेटी शराब और 25,776 पाउच जिसकी कीमत आज के बाजार भाव में 53 लाख रुपया आंकी गई है, इसको बरामद किया गया है। और इसके साथ दो अभियुक्त मिले हैं जिनका नाम सोमवीर पुत्र दयानंद, जाति जाटव, निवासी बखैता, थाना सोनीपत रोहतक के हैं, और दूसरा है अनिल पुत्र राम कुंवर, जाति जाटव, निवासी ग्राम गोपालपुर थाना खरखौदा जिला सोनीपत का रहने वाले हैं। और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। प्रेमिका के घर मिलने गए प्रेमी का उससे विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में भोजीपुरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों परिवारों में किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए पोस्टमार्टम हाउस पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मामला शाही थाना क्षेत्र के चकदा गांव निवासी 22 वर्षीय रामचंद पुत्र नथुलाल ट्रक ड्राइवर था। उसके परिजनों ने बताया कि उसका देवरनिया के चिठिया पंखुनी गांव में निवासी युवती से 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में फोन पर घंटों बातें होती थी। रविवार को लड़की के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे, इसी बीच लड़की ने रामचंद को मिलने के लिए घर पे बुला लिया। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, झगड़ा बढ़ा तो दोनों ने घर में रखा सल्फास खा लिया है, जिसके बाद वह लोग बदहवास होकर जमीन पर गिर गए। इस बीच लड़की के परिजनों ने मौके पर पहुंचे और दोनों को गंभीर हालत में भोजीपुरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने सोमवार को दम तोड़ दिया है। इसकी जानकारी होते ही भोजीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, 5 बजे निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे जैसे टाइम बस लौट कर आते हैं। क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाते हैं। अच्छा, आपको क्या पता लगा और किस समय पता लगा आपको? हम तो जब लौट गए तो पता लगी। हमें क्या देखा आपने आने के बाद? जो खाए हुए थे पलटी कर रही थी। कौन? रामचंद्र। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर मुझे किया बच्चे ने बताया, बोले इन दवाई खा लीजिए और इन्हें फौरन टेम्पो में लाद कर ले चले गए। बेटी आपकी किस कंडीशन में थी उस वक्त? बाकी वैसे सही, दांत ही मिस गई क्योंकि कभी कभी उसने ऐसी घटना ना देखी, बालक को दिल कम होता है तो उसकी मम्मी पानी डाले हुए
तो उसे छोड़ गया बेचे बेटी हमने तो किसी को रहते कौन किस हालत में ले चले फिर क्या किया आपने अस्पताल लेकर रामचंद्र को उसके बाद क्या हुआ उसके बाद दोनों भी बहाल पहुंचे दोनों दम तोड़ वहीं एसएसपी बरेली शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया एक युवक और एक युवती की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया है जिसमें युवती और युवक जो है क्रमशः देवरनिया और शाही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और मृत्यु प्रथम दृष्टिया बताई जा रही है कि जहर खाने से हुई है दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी टेम्पो और वैन की टक्कर में दो दिन के मासूम सहित तीन लोगों की मौत पांच घायल बरेली के भमौरा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो दिन के मासूम बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है भमौरा के बलिया मोड़ पर ओमनी वैन और टेम्पो की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घायलों को पुलिस ने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है जिला अस्पताल पहुंचे शेर सिंह ने बताया कि वह लोग ऑटो से सजनिया गांव से जा रहे थे तभी भमौरा थाने के क्षेत्र में बल्लिया के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ओमनी वैन ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी जिससे उनकी दो दिन की बेटी उनकी 45 वर्षीय चाची राजेश्वरी और एक युवक जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है मौके पर ही मृत्यु हो गई वहीं इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है पुलिस ने सभी तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने कहा क्या नाम है आपका शेर सिंह शेर सिंह क्या किस तरीके से हादसा हुआ कहां ये लोग जा रहे थे ये घर जा रहे थे बरेली से सजनिया के लिए सजनिया में घर पड़ता है सजनिया जा रहे थे रास्ते में एक मारुति वैन से टक्कर हो गई दूसरा से आगे बल्लिया रोड पर इसमें तीन लोगों की मौत हुई है उसमें एक तो मेरी बच्ची है दो दिन की और एक हमारी चाची है जो करीब 40-45 साल की है और बाकी एक अज्ञात लोग उनको उन्हें मैं जानता नहीं कितने लोग घायल हुए हैं पांच लोग एक विशेष सूचना सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें हमारा फोन नंबर है 9760095470 या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली निकट गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम बरेली अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार